बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कश्मीरी स्टाइल पम्पकिन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे कश्मीरी में दोधे आल कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी डिश बनती है, बहुत ही डिफरेंट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पम्पकिन लिया है, जिसको मैंने छील के दो के पीसेस किए हैं। अब मैं इन पीसेस को एक प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी। आप चाहे तो इनको बॉईल भी कर सकते हैं या इनको आप स्टीम दे सकते हैं, बट इस तरह ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। और अब मैं इसमें एक कप पानी ऐड करूँगी और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी। इसे हम हाई फ्लेम पे दो विसल तक पकाएंगे और गैस को बंद करेंगे। देखिए, दो विसल्स आ चुकी है इसमें और अब हम ये खोल के देखेंगे। देखिए, पम्पकिन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और अब हमें इसका पानी जो है ड्रेन करना है। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, जिसमें मैं एक मसलन क्लॉथ रखूँगी और इसमें हम ये सारी जो पम्पकिन है ऐड करेंगे। अब हम इसे टाइटली बंद करेंगे और इसे हम हैंग करेंगे जब तक सारा इसका पानी निकल ना जाए, करीबन 1 से 1.5 घंटे तक। देखिए, पम्पकिन का सारा पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। और आप देख सकते हैं, इसे मैंने ना मैश किया है स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से नहीं, और ये इतनी सॉफ्ट खुद हो गई है जो हमने इसको स्टीम दी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा या ब्लैक क्यूमन और बादाम। अब ड्राई फ्रूट जो भी हम ऐड करेंगे वो आपकी अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है या चॉइस पे, आप कितना ऐड करना चाहे। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश। किशमिश बहुत ही अच्छे इसके साथ जाते हैं, इसका एक स्वीट फ्लेवर आता है। ये अखरोट है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ 2 कप। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप हैंग करके रखें 1 से 1.5 घंटे तक, जब तक उसमें सारा पानी निकल ना जाए। बेसिकली हमें वो दही इस्तेमाल करनी है जो बिल्कुल गाढ़ी हो। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून शहद ऐड कर रही हूँ। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आता है स्वीटनेस का। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और इसे हम रेस्ट देंगे 1/2 से 1 घंटे तक फ्रिज में, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, दोधे आल हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।